डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते होंगे, ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 7.7 को डिस्कस कर रहे हैं। इस 7.7 एक्सरसाइज में आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन बन गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को करके दिखाते हैं, क्योंकि सब उसी तरह का था और मुझे ऐसा विश्वास है कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक के इसमें सॉल्यूशन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से है भाई, इंटीग्रेट करनी है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू dx। आप बताओ भाई, रूट के अंदर में द्विघात समीकरण तो है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 0 तो खुद से ऐड कर सकते हैं ना भाई, खुद से ऐड कर सकते हैं। इसको हम लोगों ने ऐड कर लिया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 0। अब बताओ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ a का वैल्यू कितना है भाई 1, b का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है 0। फार्मूला याद तो होगा, a को बाहर करते हैं, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। क्लियर? आप क्या करो, a का वैल्यू रख दो 1, एक्स प्लस बी बाई 2a यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर सी बाई ए तो c तो 0 है, 0/1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9/4। क्लियर? अब 1 को यहाँ रखे नहीं रखे बात तो बराबर है, यहाँ हो गया एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते तो 0 हो गया माइनस 9/4। दोस्त बहुत बढ़िया आ रहा हम लोगों को, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 9/4, इट मीन्स कि एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इतना लिख दिया। अब हम अगेन करेंगे, अगेन ये जो क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या है क्वेश्चन भाई, इंटीग्रेशन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 0, तो इसी को ना हम इस फार्मूले पे पुट किए हैं, तो इतना आया है एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि हियर x के जगह पे क्या है, तो एक्स प्लस 3/2 और a के जगह पे क्या है, तो 3/2, यानी कि x के जगह पे है हम लोगों का x प्लस 3/2 और a के जगह पे है 3/2। आप देख पा रहे होंगे फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि रूट के अंदर में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो क्या फार्मूला होगा। आप अगर भूल गए होंगे तो याद दिला देते हैं हम, रूट के अंदर वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है तो इसका फार्मूला होता है एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बाई टू और फिर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब बता दो यहाँ भाई, यहाँ पे फार्मूला लगाना है एक्स बाई टू, तो एक्स के जगह पे क्या है एक्स प्लस 3/2 और बट्टा में 2, एक्स बाई टू हो गया यहाँ पे, फिर रूट के अंदर, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर कितना होगा भाई, तो 9/4 हो जाएगा, तो ऊपर लिख दिया 9/4 और बाई कितना 2, फिर लॉग मोड के अंदर एक्स प्लस, तो एक्स की जगह पे कितना है एक्स प्लस 3/2, तो एक्स प्लस 3/2 और फिर करते हैं क्या प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, अब मोड में करते हैं सी। तो दोस्तों जो ए आया अब सबके नीचे कितना से डिवाइड करेंगे, तो एक्स का गुणांक क्या है, तो कुछ नहीं है तो 1, तो इसलिए 1 से डिवाइड कीजिए या नहीं कीजिए हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आपका आंसर है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों को इस चैप्टर में बहुत इजी वे में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर उसके बाद हम आपको 9 दिखाते हैं, 9 में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, 1 प्लस
एक्स स्क्वायर बाय नाइन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप क्या करो, इस क्वेश्चन में नाइन नंबर जो क्वेश्चन है हम आपको दिखा रहे, क्वेश्चन किस तरीके से है और हमें उसको कैसे करना चाहिए। इंटीग्रेशन है भाई, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई नाइन है इंटू डीएक्स। अब बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, रूट अंडर के अंदर एक्स स्क्वायर वाला पहले लिखेंगे वन बाई नाइन इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, प्लस जीरो इंटू एक्स लिख दिए क्योंकि जीरो को एक्स से मल्टीपल करेंगे तो जीरो, और प्लस में कितना वन। अब बताओ कि ये द्विघात समीकरण हुआ कि नहीं, वन बाई नाइन एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस वन, ये द्विघात समीकरण हो गया ना भाई। ए के जगह पे वन बाय नाइन, बी के जगह पे जीरो, सी के जगह पे वन। अब इसका यूज करके आप ये फार्मूला पे पुट कर देना, ए को बाहर, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, इस फार्मूला पे पुट करियो। ठीक है, पुट करने के बाद हम लोग सीधा यहाँ पे रख देंगे, उसको रख देंगे। चलो देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो ए के जगह पे वन बाई नाइन एक्स प्लस बी, तो ऑलरेडी जीरो है ना भाई, बी तो जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस जीरो का होल स्क्वायर, समझ रहे हो ना। बी के जगह पे जीरो रखा तो टू ए से डिवाइड किए तो जीरो, प्लस सी बाई ए, सी बाई ए का मतलब वन बाई नाइन, और माइनस बी स्क्वायर जीरो, तो कुल मिलाकर यहाँ आया वन बाई नाइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, ये प्लस है ना, और ये नाइन ऊपर गया तो नाइन हो गया। अब आप बताओ कि हम लोगों को इस तरीके से मिल रहा है वन बाई नाइन ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर और प्लस थ्री का स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, अगेन चलेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन रूट अंडर, ये द्विघात समीकरण था, इसको हम लोगों ने पुट कर रखा है वन बाई नाइन और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। अब बताओ वन बाई नाइन का स्क्वायर रूट कितना होता है, वन बाई थ्री। उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, अब इंटीग्रेशन के अंदर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर दिखने लगा, तो वन बाई थ्री तो गुना में ही रहेगा, ये इंटीग्रेशन से बाहर है। एक्स के जगह पे एक्स दिख रहा है, ए के जगह पे थ्री रख रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला यूज कर देना है, सिंपल वे में बनेगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी बहुत इजी वे क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे एक्स ए के जगह पे वन है, वन का स्क्वायर कर दीजिएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर, यानी कि ये भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फार्मूला पे आ जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप खुद से कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 11 भाई इधर जैसा है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब क्वेश्चन जैसा ही है, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण से आप निकालिएगा ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -8, सी का वैल्यू 7। ए बी सी का वैल्यू निकाल लेना है, और निकाल कर उस फार्मूला पर, कौन सा फार्मूला पर, इस फार्मूला पर दिख रहे हैं ना, इस फार्मूले पे पुट कर दीजिएगा, और ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में हम लोगों को अलग अलग मिल जाएगा, और जब अलग अलग मिल जाएगा तो यहाँ पे फार्मूला लगा देना है। और यही टोटल 11 क्वेश्चन था 7.7 में। तो हम एक्चुअली हिंट्स सिर्फ करेंगे दोस्त, बनाना आपको है कि आखिर बनाएंगे कैसे। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको करके दिखा चुके हैं इधर, द्विघात समीकरण वाला, और ये तो खुद फार्मूला पे है, वन का स्क्वायर कीजिएगा और एक्स का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगा देना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये चैप्टर को पूरा तरीके से ख़त्म करना है, और फिर अगली क्लास में हम 7.7 चल रहा ना ये, तो अगली क्लास में हम 7.8 का थ्योरी बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज ये चैप्टर को एकदम ख़त्म हो गया है हम लोगों को। अब रहा बात कि हम आपको रास्ता दिखाकर ख़त्म किए हैं, बनाना बस आपको है। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, सर यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ऐसे में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हो सकता है पहले तो आप बनाने के बाद अगर आंसर मैच नहीं होता है दोस्त, तो आप प्लस माइनस कहीं छूटता होगा उसको आप रीचेकिंग कर लो कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, या कहीं दिक्कत है। अगर आपको लगता है कि कहीं दिक्कत नहीं है फिर भी आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हमसे मिलो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.7 को ईमानदारी पूर्वक, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसको आपको ख़त्म करना है।
और बाकी हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे, वहाँ पे हम 7.7 चल 7.8 सॉरी 7.8 का थ्योरी बताएंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बताएंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।